उसका स्कूल कल से चालू है और ये अभी बता रही है कि उसे स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। उनकी तैयारी चालू। यस, एक्साइटेड। हम अभी हो नहीं रहे जाड़े तो क्या कर रहे भाई, हमारी क्या गलती। उतनी पढ़ाई भी कर एक्साइटमेंट के साथ तो अच्छा लगेगा हमें भी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है 13th जून। तो अभी मैं मनस्वी और शुभम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि कल से 14 जून से मनस्वी के न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है स्कूल का। तो मनस्वी 8th में चली गई है, इतनी बड़ी हो गई मनस्वी। वाह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसी की शॉपिंग करने, स्कूल की थोड़ी चीज़ें उसे लेनी है, यूनिफॉर्म, सैंडल रेनी सीजन की, तो सारी हमें आज लेनी है। हाँ मनस्वी, तो कब इतनी बड़ी हो गई यार, इतनी सी थी कल तक तो, और 8th में चली गई तू। वैसे अभी हेयर कट करके दो, हेयर कट इतनों से बाल करके मनस्वी एकदम छोटी बच्ची लग रही है ना मनस्वी। हाँ मतलब छोटा दिखना अच्छा है मनस्वी लग रही है। शुभम का कॉल आया, थिंक सो वो आया होगा। गाइस, मनस्वी का स्कूल कल से चालू है और ये अभी बता रही है कि उसे स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। मतलब इतनी लापरवाह है। मैं तो मेरे स्कूल टाइम में ना लाइक एक महीने पहले ही कर देती थी, पूरे समर वेकेशन से पहले ही मैं रेडी कर देती थी। और तू इतनी ऐसे क्यों है? क्योंकि इतने दिन हम लोग एक तो कारवार में थे, फिर हम आए और यहाँ पे मुझे ऐसे खेलने में ऐसे ना, हाँ खेलने में इसका पूरा ध्यान सिर्फ खेलने में रहता है। और तुझे तो तुझे मारना चाहिए पकड़। जब मम्मी मुझे डांट रही होती है आगे में और तेल और डालती है। अच्छा भाई, और तू कुछ करती नहीं बेटा। मुझे भी डांट पड़ती जब मैं छोटी थी, अभी बड़ी हो गई इससे डांट नहीं पड़ती और मैं गलतियाँ नहीं करती। अच्छा कौन बोले को चपेट में, इतनी सी तो लगती है अभी तो मुझे, लेकिन तेरे हाइट से देख। हाइट पे क्या कर रही है, हाइट किधर लेके जाएगी। वैसे मैं हाइटेड हूं अभी है? तेरे किसने बोला भाई, ये देख सेम है। नो, ये गाइस ये हाइट से बहुत कम। तू अरे भाई, तू बहुत बड़ी हो गई है 8th में और इतनी बड़ी हो गई, सब लोग इसे पूछते कॉलेज में है क्या। बोले पहले तू आंटी ओ मम्मी देखो। अच्छा तो तिकड़े राहून ऐकते आम्ही काय बोललेलं। वा, कोण आंटी आहे? ही ही मनस्वी। नाही मम्मा, ही आंटी सारखी दिसते ना, एकदम अशी काकोई बोलते असते ना तसं दिसते। मम्मी आंटी कोण दिसते? दोन्ही आंटीज आहेत तुम्ही। वा वा वा, मम्मीने रोस्ट कर दिया गाइस। वा वा भाई, के मम्मी मुझे इतना रोस्ट करते हैं। मनस्वी को तो इज्जत है ही नहीं। देख तेरे वेट में मैं इसको बाइंड करके देखूं। फिर बाइंड करना आता है? उसको जाना है, उसको बाहर जाना है। छोटा है ना, तिला उतरायचं खाली खाली। गेली गाईज, हे काय तुम्हारे घर के दराजे ऊपर पूरा, और इधर आए हैं बादल, बारिश के बादल, बट बारिश अभी तक आई नहीं है। इस साल की बारिश तो आज थोड़ी सी गिरी, आज पहली बार बदलापुर में पहली बार आज बारिश आई है, वो भी इतनी से। अभी तो देखो एकदम क्लियर वेदर होगा, बारिश मुझे पसंद नहीं है। इसी के लिए है भाई आईफोन, इसी के लिए होता है। एक बार टेस्ट करके देखना है, करेंगे बारिश में ही, कर देंगे वाटर टेस्ट। चलो अभी जाते गाइस, इसकी एक्साइटमेंट लेवल देखो कितनी है। इसके लिए इतनी भूल चाहिए। और मुझे यही पता नहीं चल रहा इतने सारे लोग स्कूल ड्रेस लेने आते हैं। सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना। वाओ मनस्वी, थैंक यू। स्कूल की तैयारी चालू। यस, एक्साइटेड। ये इसकी स्कूल की शॉपिंग आज एक ही दिन में कर लेगी शायद पूरे साल की। मेगा ले रही तू पेन ना? हाँ वेरी गुड। शुभम
की बच्चे लग रही हूँ, वो पूछ रही मेरे लिए मतलब मैं स्कूल में जाते ऐसे दिख रही हूँ तुझे। कल ही मेरा बर्थडे हुआ है 2-3 पहले ही, और मैं 23 साल की हो गई है और स्कूल के बच्चे लग रहे हैं। पहली बार मुझे ऐसे किसी ने पूछ रहा है कि स्कूल में ऐसे पूछा नहीं, उनको कंफ्यूजन हुआ शायद से ज्यादा भीड़ थी इसलिए। और मैंने सोची शॉपिंग हो गया, दिखाओ अपनी स्कूल यूनिफॉर्म एंड क्या लिया है तूने, और पेंस हो गए। शूज की शॉपिंग लिखा लिखा सैंडल शूज ही आ रहे हैं। अच्छा ऐसी सैंडल्स थी, ओके फाइन। मनस आई यू एक्साइटेड कल के लिए? बहुत ज्यादा। और गाइस घर जाके ना एक मतलब मेरी बैग दिखा, और स्पेशल थिंग तो मेरा यार पाउच है, वो देख के तो है। अच्छा ओके दिखा देना घर पे जाके। बरोबर है, कंफर्टेबल स्टाइल मारणार आहे आता। ड्रेस ड्रेस नाही घालून दाखवणार आहे, घालून दाखव उद्या मग काही झालं तर मग। No, God, please, no. सकाळी मग मी हे करून हो गई स्कूल रेडी हो रहा है ड्रेस बराबर? थोड़ा लूज है ना ये ड्रेस, ऐसे नीचे से नहीं है, ये छुड़ाना पड़ता है। ओके छुड़ाना पड़ता है, छुड़ाना कौन सी लैंग्वेज है? ये भी है, ये कुछ भी सिलाई वगैरह उसको ना ऐसे वो कुछ तो आता है, उससे छुड़ाना पड़ता है। कुछ तो आता है लैंग्वेज बताती थी दाढ़ी हो कितना भी ठूस ले, लेकिन हम अभी हो नहीं रहे जाड़े तो क्या कर रहे भाई, हमारी क्या गलती? हाँ ठूसना कम किया है बारबेक्यू में आके, कितना खाया तूने? बहुत कम खाया है ना शुभम, इतना सा। हाँ ना ज्यादा खाया नहीं उधर आके भी। पेट देखो यार इतना ही है इसमें, कितना ही। हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी थी बहुत छुक छोटी थी तब बहुत खाती थी, अभी तो बहुत कम किया, पता नहीं क्यों डाइटिंग पे रहती है। मनस्वी तुला मांजर पाळायचं आहे ना? हाँ। मम्मी ची परमिशन घे पहिले। मम्मी प्लीज मांजरी सकट तुला बाहेर घरातून। यार मम्मी यार काय, कोण सी कॅट, कोण सी कॅट ची पर्सन कॅट ची ना? पर्सन कॅट। आधी स्वतःची काम करायला शिक मग मांजर आण, वही तो इतनी स्कूल की शॉपिंग क्यों मनस्वी? हाँ यार हर साल नया लेना जरूरी है, एकदम ऐसे एक्साइटमेंट होती है ना अंदर से। अच्छा नहीं उतनी पढ़ाई भी कर एक्साइटमेंट के साथ तो अच्छा लगेगा हमें भी। पढ़ाई कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रही। Oh, wow, that's a cute pouch. Wow, यार कहाँ से मिला तुझे जो सारे BTS का चीजें कहाँ से मिल जाती है भाई? वो एक शॉप है वहाँ पे मैं बुक्स लेने गई थी कल, तो वहाँ से मिल गया। यार मुझे भी बहुत प्यारा लगा है BTS का पाउच। So guys, Manasvi made this snacks, my favorite one. Thank you so much, Manasvi. You're so sweet. Thank you. Manasvi, कल से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो जरा पढ़ाई पे भी ध्यान देना अभी। 8th स्टैंडर्ड में ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, और भी ज़्यादा अच्छे आने चाहिए। ओके डू योर स्टडीज वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर ईयर 8th ईयर 8th स्टैंडर्ड में 8th ईयर क्यों बोल रही हूँ 8th स्टैंडर्ड। थैंक यू। सो गाइज आई होप यू लाइक द ब्लॉग्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।